नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए कैसे फूले फूले इतने मोटे मोटे से हैं। हम इसकी आवाज आपको सुनाते हैं, ऊपर से कितना कुरकुरा बना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, इसमें डाल लिया हमने 2 चम्मच तेल। अब तेल को थोड़ा गर्म होने दें। इसमें डाल दिया हमने 1/2 चम्मच जीरा और डालेंगे हम 1/2 चम्मच सरसों। तो सरसों और जीरे को थोड़ा सा चटकने दें। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हमारा लहसुन और अदरक कुटा हुआ है, तो 6-7 लहसुन और 1 इंच अदरक टुकड़े को हमने खल में डाल के कूट लिए हैं। तो लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम डालिए हरी मिर्च, तो 3 से 4 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। तो मिर्च को भी थोड़ा सा भूनेंगे। गैस कल पे हम आप धीमा रखेंगे। अब यहाँ पे हमने डाल लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हमने हल्दी लिया है और 1/4 यहाँ पे लाल मिर्च लिया है। तो मसालों को थोड़ा सा तेल के साथ भूनने के बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी डालेंगे तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। केवल 1 चम्मच हमने पानी डाला है यहाँ पे। पानी डालने से मसाला जलता नहीं और भून भी जाता है अच्छे से। अब यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच चाट मसाला। बस मसाला हमारा भुन गया। हमने 5-6 आलू मीडियम साइज के उबाल के इसको तोड़ के ले लिया है, छोटा छोटा टुकड़े में हमने तोड़ लिया है। तो बस अब आलू डाल दिया, इसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। धनिया का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है आलू के साथ, तो धनिया आप थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस अब मसाले और आलू अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमें थोड़ा सा भूनना है अच्छे से। तो देखिए हमने काफ़ी हद तक इसको भून लिया है, थोड़ा सा और भूनेंगे। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के रख लेंगे। आलू को भी अच्छे से भूनना चाहिए ताकि मसाला अच्छे से आलू के अंदर भिन जाए। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमने ले लिया है, एक बर्तन लिया है, उसमें हमने छन्नी रख लिया। अब यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमेशा छन्नी से छान के ही लें, क्योंकि छानने से बेसन हल्का भी हो जाता है और कुछ होता तो पता भी चल जाता। यहाँ पे हम ले रहे हैं चावल का आटा, तो 2 चम्मच हम चावल का आटा इसमें डाल रहे हैं। अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम 1/4 हल्दी पाउडर और 1/4 लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे हींग, तो हमने 1 पिंच हींग लिया है और 1/2 चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालें, खुशबू अच्छी आती है। बस इनको मिक्स कर दें अच्छे से। अब इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें घोल तैयार करना है, तो घोल ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इस हिसाब से आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा घोल हो गया है तैयार। हमको इसी तरह का चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो घोल को रख देते हैं थोड़ा साइड में। अब यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड, हमने वाइट वाला ब्रेड लिया है, आप ब्राउन भी ले सकते हैं। तो बस ब्रेड लिया है और ब्रेड के स्लाइस पे अब यहाँ लगा रहे हैं हम धनिया पुदीने की चटनी। तो आप चटनी अच्छे से लगा लीजिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे आपकी चटनी अगर ज़्यादा तीखी है तो थोड़ा कम लगाइए, कम तीखी है तो थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया से बराबर मिलाते हुए पूरा फैला दीजिए चटनी को, और दूसरे स्लाइस में भी हम चटनी इसी तरह से लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप पूरा वीडियो देखिएगा। बस अब दूसरे स्लाइस में हम लगा रहे हैं पिज्जा सॉस, तो पिज्जा सॉस भी अच्छे से फैला देंगे पूरे में। इस तरह से हम दूसरे पे भी फैला लेते हैं। यदि आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस अब एक और हमने ब्रेड का पीस लिया है और इसमें जो हमने आलू का मिश्रण तैयार किया है, आलू हमारा पूरी तरह ठंडा हो गया है। तो अब हम एक
पीस पे आलू अच्छे से फैला लेंगे पूरा। अब बढ़िया से फैला लीजिए। हम बना रहे हैं उल्टा पाव, तो उल्टा पाव हमेशा पाव से ही बनाया जाता है, लेकिन जब पाव घर में ना हो तो आप ब्रेड से ही बना लीजिए। तो देखिए, हमने दो पीस पे अच्छे से आलू लगा लिया और दो पीस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया और दो पीस पे पुदीना धनिया की चटनी। तो पहले हमने पुदीना धनिया की चटनी वाला पीस रखा, फिर इस पे रखा हमने पिज़्ज़ा सॉस वाला, फिर हमने रखा आलू वाला। तो तीन पीस को हम एक साथ कर लिए हैं, तो दूसरे को भी इसी तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना मन चाहा सेव दीजिए, जैसा भी आपको रखना है, पर हम इसमें एक पीस में हम चार पीस करेंगे। तो पहले आप बीच से काट लेंगे, फिर इधर बीच से काट लेंगे, तो निकल जाएंगे आपके चार पीस इस तरह से। और पाव जैसे होता है, साइज भी उसी हिसाब से निकल रहा है, तो बस इसी तरह से काट लेंगे। आराम से काटिएगा, बहुत अच्छे से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारा चटनी का, सॉस का और आलू का तीन लेयर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारे आठ पीस तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं बेसन को, बेसन थोड़ा फूल गया, इसमें हमने डाल दिए चुटकी भर मीठा सोडा। तो मीठा सोडा डाल के थोड़ा सा मिला लेंगे, ज़्यादा फेंटना नहीं, सिर्फ मिक्स करना है बढ़िया से। अब इधर हमने कढ़ाई में तेल रख लिया था, तेल हमारा गर्म हो गया है। देखिए, हमने थोड़ा सा छोटा टुकड़ा डाला, हो गया गर्म। अब यहाँ पे लेयर देखिए ब्रेड के टुकड़ों का कैसे दिख रहा है अच्छे से। तो बस ये घोल में अच्छे से लपेटिए, जैसे आप वड़ा बनाते हैं उसी हिसाब से इसको बनाना है। अगर बहुत बहुत बड़ा पीस आप रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि घर में हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं कढ़ाई में। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगा, और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे बड़ा पीस रखें चाहे छोटा रखें। तो जब हम तेल में डालेंगे ना, तो जिस तरफ आलू है वो वाला हिस्सा आप तेल की साइड रखिएगा, बस आप करछी से भी थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से डालते रहिए, ताकि ऊपर की सतह भी कुरकुरी हो। तो बस देखिए, हमने उलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है, कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, हम दूसरा बना के दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बैच तैयार कर लेंगे। तो पहले हमने दो डाला था, अभी हम तीन डाल लेते हैं, क्योंकि साइड में जगह बच रहा था। तो जितना आपके कढ़ाई में आया आप उतना डाल सकते हैं, और इसको करछी की सहायता से चलाते हुए और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमारा ये भी बैच तैयार हो गया, कितना अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में बहुत ही सबको पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कैसे इसकी लेयर दिख रही है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे। आप वीकेंड पे बना सकते हैं, कहीं जा रहे हैं आप तो घूमने, तो आप इसको बना के लेके जा सकते हैं साथ में, या कोई घर में गेस्ट आया है तो बना के आप सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे जिधर से तोड़ें, हर तरफ से लेयर अच्छे से दिख रही है। सिर्फ आपका घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इतना हो कि अच्छे से आप लगा लें। तो बस हमने सर्व कर लिया है प्लेट में, धनिया पुदीने चटनी के साथ और सॉस के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना पसंद आया, और आप कब बना रहे हैं, आपका कैसा बनता है, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। फिर मिलते हैं किसी आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।